उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने आए जिलाधिकारी का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार, बिना निरीक्षण किए ही जिलाधिकारी को पड़ा लौटना। सबौर प्रखंड के चंदेरी मध्य विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे हुए थे, जहां उन्हें सूखाग्रस्त किसानों के आक्रोश को झेलना पड़ा और वहां से बिना निरीक्षण किए ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सबौर अंचलाधिकारी सहित अधिकारियों को स्कूल का निरीक्षण किए बगैर ही लौटना पड़ा। सूखाग्रस्त किसानों की मांग थी कि सरकार के द्वारा सुखाड़ क्षेत्र घोषित हुए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी का यह लोग विरोध कर रहे थे और जिलाधिकारी को बिना स्कूल का निरीक्षण किए ही वापस लौटना पड़ा। प्रेस दिवस के अवसर पर समीक्षा भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज प्रेस दिवस के उपलक्ष्य पर वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में DDC, DPRO के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने भागलपुर के सभी पत्रकार छायाकार को प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मीडिया चौथा स्तंभ है, उनके छोटे बड़े खबरों से ही लोगों को कई जानकारियां मिलती है, जिससे लोगों को अनेकों फायदे होते हैं। वही मीडिया को उन्होंने सम्मान देते हुए कहा कि मीडिया एक स्वच्छ आईना का काम करती है। वही भागलपुर के DPRO ने बताया कि प्रथम प्रेस आयोजन ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 16 नवम्बर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी बाबत आज भागलपुर के सभी मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं व बधाइयां दी। वहीं इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था भारत को सुदृढ़ बनाने में मीडिया का योगदान। इसको लेकर कई मीडिया कर्मियों ने अपनी वार्ता में कई बातों को रखा। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साथ ही सोशल मीडिया के प्रतिनिधित्व करने पहुंचे उनके रिपोर्टर व छायाकार भी मौजूद थे। विश्व कल्याण महाविद्या अनुष्ठान ट्रस्ट के द्वारा बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें 5 जिलों के जिला पदाधिकारियों की हुई नियुक्ति। भागलपुर विश्व कल्याण महाविद्या अनुष्ठान ट्रस्ट के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जिलों के जिलाधिकारी को नियुक्त किया गया। वहीं भागलपुर से अमर कुमार सिंह को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया और भागलपुर के सुबोध कुमार को प्रदेश महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक धार्मिक ट्रस्ट है जो सर्वे पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए लगातार बिहार में प्रयासरत रहा है। वहीं कई लोगों को मदद भी पहुंचाई गई है। ट्रस्ट के द्वारा पिछले साल किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। वहीं 5 जिला के आए पदाधिकारियों के द्वारा 5 जिलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कमेटी मेंबरों का चुनाव भी किया गया, जो आज से अपने अपने जिला में ट्रस्ट को मजबूत बनाने के साथ साथ दबे पिछड़े लोगों को मजबूती से समाज में रहने को लेकर मदद करेंगे। वहीं कहीं परेशानी होने पर राज्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से सलाह मशवरा कर लोगों का उत्थान कैसे किया जाए, इस दिशा पर भी काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई और कई जिला के जिलाध्यक्ष को नियुक्ति पत्र भी दिया गया। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जज ने किया बरी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के ऊपर 2010 में चुनाव के दौरान तिलकामांझी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले को लेकर विधायक आज कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें जज के द्वारा बरी कर दिया गया है। वहीं विधायक ने कहा कि इसके लिए वह कोर्ट का आभार प्रकट करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टी और अधिकारियों के द्वारा परेशान करने के लिए इस तरह के मामले दर्ज किए जाते हैं और राजनेताओं को परेशान किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पोस्टर कहां कौन कार्यकर्ता लगाता है, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। इसके बावजूद भी अधिकारियों के द्वारा मामला दर्ज करा दिया गया, लेकिन आज सच्चाई की जीत हुई। 27 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में महारैली के आयोजन को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से भागलपुर गौशाला में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर 27 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण मुरारी ने बैठक में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग महारैली में पहुँचे और देश में जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लागू हो सके, इसको लेकर आवाज़ उठाएँ, जिससे देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। उनका कहना था कि जनसंख्या के कारण ही कई समस्याएं हैं और इन सब का निदान जनसंख्या कानून बन जाने के बाद देश में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान हो सकता है। 10वीं कक्षा के सेंटअप परीक्षा के दौरान छात्रा शिक्षिका के सामने कर रही थी खुलेआम नकल, हुआ खबर का असर, यह शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान के ही कार्रवाई करने की बात। भागलपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई थी, जहां भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित राजकीय इंटर स्तरीय विद्यालय में 10वीं कक्षा की सेंटअप परीक्षा के दौरान छात्रा खुलेआम नकल करते दिख रही थी। जानकारी के अनुसार 10वीं के सेंटअप परीक्षा पास होने के बाद मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति मिलती है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य माधुरी कुमारी ने बताया कि विद्यालय में छात्रा की संख्या ज्यादा होने के कारण एक बेंच पर 4 परीक्षार्थियों को बैठाए जाने की बात कही थी। वहीं खबर का असर हुआ और खबर चलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने संज्ञान लिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। दूसरे पति को छोड़ 3 बच्चों के पिता से एक महिला का हुआ नैनाचार, ढोलबज्जा के प्रेमी युगल के घर धरने पर बैठी प्रेमिका, ग्रामीणों ने समझौता करा, लड़की को भेजा घर। प्यार जब परवान चढ़ा तो प्रेमी के लिए एक शादीशुदा लड़की ने दूसरे पति और अपने एक बच्चा को छोड़ 3 बच्चे के पिता से नैनाचार कर बैठी। सर पर सवार उस आशिकी के भूत ने लड़की को कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा ही मामला आज भागलपुर नवगजिया के ढोलबज्जा में देखने को मिला, जहां कदवा के एक शादीशुदा लड़की जब ढोलबज्जा के एक प्रेमी युगल के घर धरने पर बैठ गई, देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। लड़की से पूछताछ करने पर बताया कि उसकी पहली शादी पंचगछिया टोला कदवा के एक लड़का से कराया गया था, जिसको छोड़ने के बाद युवती की दूसरी शादी खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहदीपुर गांव के एक युवक से 5 साल पहले कराई गई थी। इसी बीच करीब 2.5 वर्ष पहले युवती के गांव कासिमपुर कदवा में एक सड़क जो कोसी बांध की सड़क है, उसके निर्माण कार्य बालू घाट से लेकर बुटनी बांध तक किया जा रहा था, जिसका पेटी कॉन्ट्रैक्ट ढोलबज्जा के ही अशोक जायसवाल है, जिसमें ढोलबज्जा निवासी उमेश भगत के आशिकी मिजाज पुत्र संतोष भगत मुंशी का काम किया करते थे। जिस दौरान कासिमपुर के उस शादीशुदा युवती से धीरे धीरे उसके नैना चार हो गए और वह आंखें इस चार की तरह परवान चढ़ गई कि दोनों आशिकी मिजाज प्रेमी जोड़े के पास अपने आप के प्रति कोई पहचान तक नहीं रही। इसलिए कि जिस तरह युवती ने अपने एक बच्चा के साथ दो पति को छोड़ दिया, प्रेमी युगल संतोष का भी शादी हो चुका है, जिसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ धोखा देकर करीब 2.5 साल से कदवा की लड़की के साथ अय्याशी करता रहा। मामला बिगड़ता देख ग्रामीणों ने जब दोनों प्रेमी युगल को ढोलबज्जा के पंचायत भवन में समझौता कराने का प्रयास किया, तो वहां कासिमपुर की लड़की ने बताया कि उसे संतोष ने मेहंदीपुर के ससुराल छुड़वाकर नवगछिया के मील टोला में 6 महीने और नया टोला में 3 महीने अशोक सिंह नामक मकान मालिक के घर रखकर सब दिन शारीरिक संबंध बनाया और शादी का झांसा देकर साथ साथ जीने मरने की कस्में वादे खाए। 10 दिन से जब दोनों के बीच अनबन चलने लगा तो संतोष ने अपनी प्रेमिका, जिसका काल्पनिक नाम मधु, का साथ बहला फुसला कर छोड़ने का फैसला ले लिया। नवगछिया में मकान लेकर रखी गई युवती अपने प्रेमी की खोज में परसों ढोलबज्जा अपने प्यार संतोष के घर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई।
विचित्र रूप बनाकर प्रेमी युगल के घर बैठी युवती से कुछ स्थानीय लोगों ने उससे पूछताछ कर उसके ठिकाने पर जाने और रात भर उसके ठहरने का इंतजाम किया। इसी बीच संतोष भगत ने युवती को अपने भैगना के माध्यम से उठवाकर बिहारीगंज ले भागा, जहां से परसों लौटने वक्त संतोष भी पहुंचा और रास्ते में ही चौसा के दुर्गा मंदिर में दोनों प्रेमी जोड़े ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई और लड़की को पुनः नवगछिया के उसी भाड़े के मकान में छोड़ने की बात ले गया, जहां रास्ते में ही युवती के हाथ एक हेलमेट थमाया, पेट्रोल भराने के बहाने बनाकर युवक फरार हो गया और युवती प्रेमी के घर पहुंच धरने पर बैठ गई, जहां गंभीर मामला को देखते हुए स्थानीय लोगों ने दोनों प्रेमी जोड़ों को ढोलबज्जा थाना पहुंचाने का प्रयास किया, जहां लिखित शिकायत नहीं मिलने और ग्रामीणों के द्वारा आपसी समझौता के बाद लड़की के परिजन मधु काल्पनिक नाम को वापस घर ले गए। बताया जा रहा है कि लड़का पक्ष की ओर से आर्थिक मदद दिलाने के बाद मामले का समझौता कराया गया है, लेकिन लड़की आखिरी दम तक इस समझौते को मानने को तैयार नहीं थी। इस बीच कोई अनहोनी की घटना घटित होती है तो इस मामले को षड्यंत्र के तहत कभी भी छोटा बड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। थानाध्यक्ष प्रभात कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, लेकिन लिखित आवेदन किसी पक्ष ने नहीं दिया है। शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दो फ्लैट का ताला तोड़ चोरों ने उड़ा लिए लाखों के सामान। जोगसर थाना क्षेत्र के सिविल सर्जन आवास के सामने की गली स्थित श्रीकुंज अपार्टमेंट के दो फ्लैटों में दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। पहली घटना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 1A में रहने वाली सोनी सिंह के फ्लैट में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोनी की बहन का एंगेजमेंट इसी महीने था, जिसकी शादी के लिए दोनों बहनों ने बैंक लॉकर से सोना और चांदी निकालकर शादी के लिए घर में रखा था, जिसे चोर चोरी कर फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना 2A फ्लैट में रहने वाले उत्पाद विभाग के स्पेशल पीपी वासुदेव प्रसाद शाह के घर में भी चोरों ने अपना हाथ साफ किया और वहां से भी 50 भर चांदी और कैश लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है, जिसमें अपार्टमेंट के अंदर जो संदिग्ध अंदर जाते और निकलते देखे गए हैं, जिनकी पहचान पुलिस करने में जुट गई है। वहीं कल ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने ठंड को लेकर सभी थाना प्रभारियों को मुस्तैदी से गश्ती करने का निर्देश दिया था। वहीं आज ही चोरों ने पुलिस को चोरी की घटना को अंजाम देकर चैलेंज कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि भागलपुर पुलिस दो फ्लैटों में हुई चोरी के मामले में कब तक सुलझा पाती है और चोरों को सलाखों के पीछे कब तक भेजती है।